तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पुरखौती मुक्तांगन। लेकिन 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 उससे पहले मैं एक काम ख़त्म कर लेता हूं। अभी हम जा रहे हैं बैंक न्यू अकाउंट ओपन कराने मेरी वाइफ के लिए, तो चलिए चलते हैं। और हमें जाना है पहले पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अब हम रिंग रोड से जा रहे हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो रिंग रोड या हाईवे रोड का इस्तेमाल करें, क्योंकि सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है और ज़्यादा ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अपनी गाड़ी को सावधानी से चलाएं और इमरजेंसी वालों को जगा दें ताकि वो अपने 100% सर्विस दे सके, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस। और हाँ, हेलमेट ज़रूर से लगाएं। अब हम DDU नगर से यूनिवर्सिटी के रास्ते जाएंगे, तो चलिए फिर काम ख़त्म करके आते हैं। आज का ब्लॉग है पुरखौती मुक्तांगन। तो फ्रेंड्स, अभी हैं हम लोग संतोषी नगर ओल्ड धंतरी रोड पे। और अगर आप रेलवे स्टेशन में हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो वहां पर आपको रेलवे स्टेशन के मेन गेट के सामने सिटी बस का जमाड़ा मिल जाएगा। सिटी बस डायरेक्ट मुक्तांगन पहुंचती है, उसका किराया है 40 रुपये और आपका जो सफर होगा वो 2 घंटे का होगा। स्टेशन से मुक्तांगन मात्र 23 किलोमीटर है। अगर आप किसी भी जगह के बारे में जानना हो, किसी भी जगह के कल्चर के बारे में जानना हो, तो उस जगह के इंटीरियर या फिर उस जगह का गांव में जाना पड़ता है उस चीजों के बारे में जानने के लिए। तो आज हम चलने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऐसी जगह जहाँ पे हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं गांव जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा एक जगह है जहाँ हमें छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में हमें ज्ञात हो जाएगा। उस जगह का नाम है पुरखौती मुक्तांगन। अगर आप रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आप इस जगह के बारे में भली भांति जानते होंगे। Thank you.
तो फाइनली हम लोग मुक्तांगन पहुंच चुके हैं। ये रहा मुक्तांगन का मेन गेट। अंदर जाने के लिए आपको टिकट लगेगा, उसका किराया है 30 रुपए। तो फ्रेंड्स, ये रहा छत्तीसगढ़ी चौक। यहाँ ढेर सारे स्तंभ बना रखे हैं। यह स्तंभ छत्तीसगढ़ी कल्चर को दर्शाते हैं। यह स्तंभ काफी खूबसूरती से तराशा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं आमचो बस्तर।
अब हम लोग आ गए हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस डांस जो कि पंथी नृत्य जाना जाता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के एक और फेमस नृत्य जिसका नाम है सुआ नृत्य। तो मैं आपको बता दूं कि सुआ नृत्य में एक बांस की टोकरी होती है जिसमें दो तोते रखे जाते हैं। उस तोते के चारों तरफ एक गोला आकार बनाकर महिलाएं नृत्य करती हैं। यह नृत्य दिवाली से कुछ दिन पहले किया जाता है जिसको अंती के नाम से जाना जाता है और इस टाइम से छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव में यह नृत्य मनाते नजर आएंगे।